1999 में जब कारगिल का युद्ध होया, युद्ध के टाइम पे अपने अंकल जी का 6 गोली लगी थी। आपके बीच में दिखाता हूं अपने अंकल जी सतबीर सिंह क्या काम करते हैं, क्या वो है, ये ध्यान से देखो। ये छोटी सी एक जूस की दुकान है, ये आप लोगों के सामने ये अपने अंकल जी हैं सतबीर सिंह, जिनको चीता के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी भाई को ये लगता हो कहां गोली लगी थी, कैसे लगी थी, ये देख लो भाई, ये पैर है, ये सारी कारगिल में गोलियां लगी हुई हैं, पूरी की पूरी आंगली अंदर चली जाएगी, इतने छेद शरीर में हो रहे हैं, और 6 गोलियां कारगिल के युद्ध के समय में लगी थी। सारे के सारे भाई जुड़ो ताकि सबके सामने सच्चाई तो जा, सरकार के सामने सच्चाई तो जा, ये जितनी मीडिया जितनी न्यूज जो है उनके सामने सच्चाई तो जानी चाहिए। एक कारगिल का योद्धा जिसको चीता के नाम से जाना जाता था, वो मतलब इतना मजबूर हो रहा है, एक जूस की दुकान कर रहा है अपने बच्चे पालने के लिए, क्या ये एक देशभक्ति होती है? एक जो उस समय इतना भयंकर योद्धा जिसने 1999 में जिस समय गोली लगी, अपनी बटालियन का अपनी टीम का गाइड था, सबसे आगे चल रहा था, और सबसे आगे चलते हुए खुद अपने ऊपर गोलियां खाई, अपने सीने पे गोली खाई, फिर उनको मारा, आज हमारे बीच में जीवित बैठा है। उस टाइम पे इसने क्या सोची होगी देश की रक्षा करते टाइम कि मैं भारत देश की रक्षा कर रहा हूं, और आज वही इंसान विकलांग होते हुए खुद देख लो, मैं नहीं कर रहा, ये चल तो नहीं पाते होगे अंकल जी अच्छे से, बैसाखी के सारे चल पाए हैं। एक बार ये सभी दोस्तों से एक विनती करता हूं, 850 आदमी आप देखने लाग रहे हो, आप सब तैयार विनती है भाई, जल्द से जल्द जुड़ो, और कम से कम बताऊंगा 1000 भाई जुड़ चुके हो, 1000 के 1000 भाई जब तक शेयर करते रहना, आज जब तक आप सब ब्लॉक ना हो जाओ, आपके नीचे जो शेयरिंग का बटन आओगा उसने दबाकर छोड़े हाथ ने शेयर टू ग्रुप ऊपर से नीचे तक सभी ग्रुपा में 50-50 ग्रुपा में वीडियो जरूर जानी चाहिए। उसका कारण है मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम ब्लॉक कर रखी है 14 दिन के लिए, 14 दिन तक वीडियो नहीं फैल पाओगी। लेकिन दिल दुख है जब मैंने अंकल जिया का बर्तन धोते का फोटो देखा, मेरे पास फोटो आया बर्तन धोते का, और फोटो देखने के बाद एक लड़की ने मैसेज करा, भैया इस अंकल जी की मदद करो, इनका नाम चीता है, सतबीर उर्फ चीता, मेरा ना मेरा 3 दिन से मैं पता ढूंढ रहा हूं, आज जाकर मैंने पता मिला अंकल जिया का। सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे बड़ी बात ये है हमारे बीच कारगिल का एक योद्धा किसे बदमाशी में गुंडागर्दी में और किसे प्लॉट मकान के केस में गोली ना लाग रही, 6 गोलियां खा रहा है, और 6 गोलियां भी कारगिल के युद्ध में। आज इनकी हालत खुद देख लो, ये खुद आप देख रहे हो, जूस का काम है, बर्तन तक अपने आप धोता है, ये छोटी सी दुकान है, इस तक कमा खा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर सरकार इसकी मदद कर देती, हम दोषी 1999 में बीजेपी की सरकार थी भाई, किसे भाई का शक हो, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आ रही है, हमने दोनों सरकार थे, यह बात पूछना चाहूं, क्या फौजी भैया की हमारे देश के जवानों की सैनिकों की आप लोग हकीकत में कोई मदद नहीं करते? डूब के मरने की बात है, एक देश के जवान का हक खा जाते हो, पेट्रोल पंप 1 बीघा जमीन दोनों चीजें पास हो रखी थी, फोटो भी दिखाता हूं मंत्री साहब का, नेताजी का फोटो खिंचवाने सब चले गए अस्पताल में, मीडिया में खबर आई सब पहुंच गए, फेमस होने का शौक सबको है। और अंकल जी की दरिया दिली सुनो, सबसे पहले दरिया दिली कैसे दिल के इंसान है, मैंने जंतर मंतर पर 4 बार मिल लिए, आज तक मेरे को भी ये पता नहीं लगा ये अंकल जी इतनी गरीबी से जूझ रहे, मेरे को बताया तक नहीं। वो तो एक लड़की ने फोटो भेजा, फोटो भेजने के बाद मैंने न्यू कही, मैं अंकल जी अनजानू हूं, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर काटा, मैंने फोन करया, फोन करने के बाद हंसकर जवाब दिया, बोले बेटे बात के बताने की हो, कमारे खारे शर्म से फोन करना था, 1500 आदमी आप मेरे तो जुड़ रहे हो, 1500 के 1500 आदमी तो मैं एक बात कहना चाहूं हूं, एक बारी सारे के सारे भाई इस वीडियो ने शेयर करने का तोड़ बैठा दो, यह बात हर सरकार के कान में, हर मीडिया, क्योंकि हमने जरूरत इस समय पर किस चीज की, हमने जरूरत है इस परिवार के साथ खड़ा होने की, जो हमारे लिए गोलियां तक खा रहे हैं,
जो हमारे लिए इतनी गरीबी तक जूझ रहे हैं। 1999 में जो युद्ध होया आज 2019 है, यानी कि 20 साल गरीबी से एक इंसान लड़ा है, रोड़े तक फोड़े हैं विकलांग होने के बाद, नंबरदारी तक करी है विकलांग होने के बाद, झूठे गिलास तक धोन लग रहा है। क्या यही कीमत एक जवान की? शक होगा थरे बीच में, अभी दिखाता हूं। एक बार इतना सभी भाइया तो 1500 के 1500 भाइया तो कहूंगा, आप शेयर करो सारे का इस वीडियो ने, सब लोगों के कानों तक पहुंचाओ। जो वोट मांगना आ करे जवानों के नाम पर, उन सब से विनती है भाई, इस वीडियो को नीचे शेयर का बटन दबा के सोड़े हाथ में जो शेयर टू ग्रुप आओगा सारे का शेयर करो, ताकि ये बात सब जगह पहुंचे। एक भाई ने एक नंबर का सवाल करा मनोज ने, भाई कोर्ट किस काम का है? कोर्ट तक पहुंचे, कोर्ट की हालत देखना चाहो, अभी दिखाता हूं ध्यान से देखना। ये सारी की सारी देखो, ये कितना भारी बैग है, ये आरटीआई लगा रखी इतनी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ये देखो ये सब कुछ कितने डॉक्यूमेंट है, कितने देखना चाहो आप खुद देखो, अखबारा की कटिंग सारी चीज आपके बीच में बैठा, फोटो तक नेता मंत्री अस्पताल। एक सेकंड रुको, ये देखो जी समय गोली लग रही थी अपनी जवानी में थे अंकल जी साथ में, इस मंत्री साहब को तो आप अपने आप पहचान लोगे, मन तो बेरा नहीं कौन सी पार्टी का कौन है, लेकिन खुद देख लो फोटो खिंचवाने सबसे आगे था उस समय, लेकिन आज के समय कहाँ है पूछने की बात है। अभी आप एक अखबार की कटिंग मेरे हिसाब से दिखाओगे तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। एक बारी मैंने कहा था कोई भी पेज दिखा दो आप, यो ही दिखा दो, बत्ती के दिखाने की जरूरत है। देखो ध्यान से पटो क्या लिखा हुआ है, मन करता है इंसास उठाऊं, इंसास हथियार का नाम है, और फिर मोर्चे पर जा डटूं। इससे दूसरी चीजें ये पढ़ो, मोर्चे पर जाने के लिए छटपटा रहा घायल लांस नायक सतवीर सिंह, मतलब जिस समय इतनी गोलियां लगी हुई थी उस समय भी कितना जुनून था। अब ये देखो दूसरी बात, भारतीय सेना पाक को 15 घंटे में कर देगी, ये दिखाई दे रहे होगे आपको, आप 1700 आदमी वीडियो ने देखने लग रहे हो, मैं आप सब तक बार बार एक बात कह रहा हूं, वह बात इसलिए कह रहा हूं, मारे बीच में एक ऐसा इंसान, ऐसा जीता जाता जागता शख्स है जो मारे लिए 6 गोलियां खा रहा, अपना शरीर खराब कर रहा है, और गरीबी तो इतना जूझ रहा, जूस का डन लाग रहा है, जूस काट के 100-200 रुपया की दाढ़ी बना के जब अपने बच्चे पाल रहा है, और नहीं पता हो तो देखो राजनीति के कारण है पेंशन भी अब 5 महीने से मिलने लगी है, कितने शर्म की बात है। चलो तुम्हारा आपस में कुछ भी झगड़ा हो राजनेता हो, लेकिन एक फौजी साहब की जो देश के लिए इतना सब कुछ कर रहा, उसकी पेंशन तक रोकना, इतने कुत्तेपन पर भी उतरिया हो तुम, शर्म की बात है। मतलब एक जिनको चीता नाम से जाना जाता था, जो ये कह रहा था मैं दोबारा सेना के लिए हथियार उठाना चाहूं, दोबारा मोर्चे बजाना चाहूं, उसकी पेंशन तक रोक दी तुमने, कितने घटिया इंसान हो तुम, 20 साल में पिछले 5 महीने से पेंशन मिलने लगी, शर्म की बात ये हमारे बीच। एक भाई पूछ रहा हम क्या मदद करा, दूसरा भाई पूछ रहा अकाउंट नंबर भेजो, मेरी बात सुनो भाई, अभी वीडियो जब खत्म होगी, खत्म होते ही ऊपर अकाउंट नंबर डाल दूंगा। क्यों डाल दूंगा? क्योंकि पहले अकाउंट नंबर डालने से वीडियो चल नहीं पाती, और एक बारी मैं बोल भी दूं, क्योंकि कई भाई इस वीडियो को उठाकर डाल देते हैं, अकाउंट नंबर बता दूं, और जैसे ही वीडियो फिनिश होगी ऊपर तक मैं अकाउंट नंबर लिखा पाऊंगा। 100 की 200 की 500 की 1000 की जितने रुपए की मदद करो वह भी थोड़ी है, क्योंकि जो इंसान 20 साल झूठे बर्तन मांझ का अपने बालक पाल गया, अरे कम से कम आज तो हमसे बाल सका। हाँ ये देखो भाई, सबसे पहले ये कॉपी है, ध्यान से देख लियो, मेरे साथ तो 16 कैमरा करके दिखा दूं, इसमें फोटो तक आ जाएगा, ये अंकल जी की कॉपी है, इसमें ध्यान से पढ़ो, ब्रांच है मुखमेलपुर नई दिल्ली, और अंकल जी का नाम है, खाते वाले का नाम सतबीर सिंह। अच्छा अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर की साइड भाई जी, एक मिनट रुक जाओ, अकाउंट नंबर भाई हो रहा ध्यान से देख लो, 4094, इंग्लिश में बोल दू हिंदी में गलत कर दे गणे, 4094020102 3982।
400 आदमी आप कंटिन्यू लगातार देखने लाग रहे हो, मैं आप सब ते एक विनती करूंगा, यानी कि 2000 आदमी आप जुड़ रहे हो, 2 के 2000 आदमी अगर शेयर का बटन दबाकर छोड़े आपने शेयर टू ग्रुप करके 50-50 ग्रुप में अभी के अभी वीडियो शेयर करोगे 1 लाख शेयर हो जाएंगे। 1 लाख शेयर होने के बाद या बर्तन आज इस समय पर भी धोने लग रहे अपने बालक पालन थी, शर्म की बात है। एक देश का जवान 20 साल तक झूठे बर्तन मांजन लग रहा और 1 रुपए की भी मदद नहीं हो पाई। मैं आज आप सभी भाइयों से ये बात कहूंगा, अगर इंसानियत है आपके अंदर, जिंदा दिली है, अभी के अभी सारी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना और अंकल जिया की मदद जरूर से भी जरूर करना। फौजी साहब, फौजी असलापुर, जय हिंद मेरे भाई ने। मेरा भाई भी मेरे साथ है, उस टाइम आर्मी में लग गया हो, आज के टाइम दिल्ली पुलिस में है, एक बहुत बड़ा समाज सेवी भाई है। आप सभी साथियों से विनती है, उस आदमी की मदद करो जिसको मदद की जरूरत है। संदीप मलिक भाई साहब, सलूट आपको, 5100 रुपए की मदद आपकी तरफ से सबसे पहली। मैं बार बार मास्टर जी ने सलूट करूं हूं। और भाई शुरू हो जाओ, आप अपने फोन उठाओ, ऑनलाइन करो, पेटीएम करो, जो कर जो करना है, लेकिन करना इस खाते में। उमेश फोगाट, यो भी अपना फौजी भाई है, 500 रुपए फौजी भाई की तरफ से। फौजी भाई ना बार बार दिल से धन्यवाद करूं हूं और बार बार एक बात फिर कहूं हूं, वीडियो ने इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ताकि सब तक यह बात पहुंच सके। और भाई कदे न्यू मानते हो खाम खावो, एक बार फिर दिखा दूं हूं, ये पैर की हालत है, आपने शायद अंतना भी दिखता हो, देखो ये पैर खत्म हो रहा, 6 गोली लग रही, 1-2 नहीं, यो तो एक पैर दिखाऊं, अगर दूसरा भी पैर दिखाऊं आप देख नहीं पाओगे। सभी को सलूट और भाई शेयरिंग पर लग जाओ।